लोग आ गए हैं सरोजिनी नगर में और हम लोग थोड़ी सी शॉपिंग करने वाले हैं। प्रियंका चली गई है उस साइड, मैं आ गई हूँ इस साइड। गोल गला लॉन्ग में शॉर्ट्स में सब में मिलेगा, जाओ मैडम आगे पढ़ के देखो। आपको बता दूं, आज का जो कंपटीशन है बिटवीन बर्पिंग गर्ल्स, बेसिकली चैलेंज हमारा ये है कि हमें दो आउटफिट्स रेडी करने हैं। एक आपका मेल मिस्टेक थोड़ा कॉलेज टाइप लुक, और उसी को ट्रांसफॉर्म करेंगे इफ़ यू हैव टू गो फॉर अ पार्टी। तो आप उसी लुक को कैसे क्रिएटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक पार्टी लुक में। सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई एम जस्ट गोइंग टू रन। लेकिन इसमें एक चैलेंज ये भी है कि हमारा जो मेन फोकस है वो कुछ ऐसा है कि हमें जो ब्रांड्स हैं यहाँ पे सरोजिनी नगर में, लेकिन आपको चीप रेट में मिलेंगे। लाइक आप बाहर जब जाओगे किसी भी ब्रांड आउटलेट में तो वहाँ पे आपको 1,000, 2,000, 3,000 और फिर रेंज तो बढ़ती ही रहती है, लेकिन सरोजिनी नगर मार्केट में वही जो रेट होते हैं वो हाफ रेट्स में मिलते हैं। और मैं देखूंगी कि मेरे लिए क्या है एंड आई विल जस्ट यूज अ कपल ऑफ थिंग्स एंड आई विल क्रिएट अ बोहो लुक। आई वाज थिंकिंग ऑफ अ बोहो लुक, सो आई विल जस्ट डू दैट। एंड मीनवाइल आई एम श्योर प्रियंका भी अपना रिसर्च कर रही होगी, सो आई डोंट हैव टाइम। बाय। सो आई एम सो एक्साइटेड, मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है। लेट्स सी मैं अपने दो आउटफिट्स क्या क्रिएट करती हूँ। मुझे थोड़ा सा हिंट मिला है कि ओहिनी अपने लुक क्रिएट करने में काफ़ी आगे है मुझसे। लेट्स सी मैं कैसे क्रिएट कर पाती हूँ, फॉलो मी। तो मैं अपने कैजुअल कॉलेज अटायर के लिए जो डिसाइड किया है, आई थिंक डेनिम जैकेट्स आर रियली अ लाइफ सेवर एंड इट्स वेरी मिनिमलिस्ट। यू कैन एक्चुअली एनहैंस योर लुक विद जस्ट वन डेनिम जैकेट। और मेरे लिए आई थिंक दिस कैन एक्चुअली कम्प्लीट योर लुक। यू कैन वेयर अ स्पगेटी एंड उसके साथ आप अगर डेनिम जैकेट पहन लेते हो ऊपर से तो आप यू आर रेडी टू गो। एंड यू कैन एक्चुअली वेयर इट इन अ कपल ऑफ वेज। जैसे मैंने इसको ऐसे पहन लिया था, आई कैन एक्चुअली टाई इट अप एंड मेक इट लुक रियली शीक। आई कैन एक्चुअली हैंग इट ऑन मी एंड इफ आई जस्ट हैंग इट ऑन मी देन ऑल्सो आई लुक अ लिटिल बिट ऑफ you know dressed. यू नो सेकेंड हैंड कॉपी लेनी है ब्रांड की, वो भी आपको मिल जाएगी। लेकिन मेरे माइंड में चीज़ बहुत क्लियर है कि मैं क्या शॉप करने आई हूँ, क्योंकि मेरा बर्थडे आने वाला है तो मैं थोड़ा सा अपने बर्थडे के लिए कुछ आउटफिट ले रही हूँ। बट मेरे बर्थडे के दिन ही ऑफिस है, लाइक मुझे बर्थडे वाले दिन ऑफिस जाना है, सो आई हैव टू वेयर समथिंग फॉर्मल। तो मैंने सोचा है कि मैं कुछ ऐसा फॉर्मल पहन कर जाऊँगी जो मैं ऑफिस में कैरी कर सकूँ, और ऑफिस के बाद जब मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाऊँगी तो उसे ड्रेस को मैं अपने साथ कैरी कर सकूँ। सो इस शॉप पे मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पसंद आई है। लेट्स सी कि क्या वो मेरा स्टाइल स्टेटमेंट बनता है या नहीं बनता। कम विद मी, सी आई क्वाइट लाइक दिस। आई डोंट नो कैमरे में इसका इतना जो एक्चुअल कलर है वो आ रहा है नहीं आ रहा है। और सी अगर आप इसे कुछ ब्लैक जैगिंग के नीचे और बूट्स के साथ या हील्स के साथ कैरी करना चाहो आप कर सकते हो और ये काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये मैंने एक ऑप्शन चूज़ करा है। लेट्स सी मैं और क्या इसके साथ कैरी कर सकती हूँ। सर ये कितने की है? सो दिस वाइट ड्रेस इज फॉर 400। ये सिर्फ 400 की है। इट्स वेरी लूज एंड आई कैन सी इट्स वेरी कम्फर्टेबल। आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू हाउ लूज दिस इज एंड हाउ कम्फर्टेबल कैन इट बी। आई एम जस्ट गोइंग टू वेयर इट इन फ्रंट ऑफ यू और मैं दिखाती हूँ। जस्ट लुक एट इट। सो आई एम जस्ट वेयरिंग दिस ड्रेस और ये बहुत अच्छे से मुझे फिट भी हो गया है, बिकॉज मुझे लूज कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज दे अलाउ मी टू ब्रीद। एंड इफ आई यूज द सेम डेनिम जैकेट ओवर इट और अगर मैं इसके ऊपर डेनिम जैकेट फिर से पहन लेती हूँ, आई कैन एक्चुअली गो आउट एनी वेयर। मैं कहीं भी जा सकती हूँ, मार्केट्स में जा सकती हूँ, मॉल्स में जा सकती हूँ, किसी भी ओकेजन के लिए मुझे लगता है ये कम्प्लीट है। और मोनो कलर्स अगर आप लेते हैं तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू यू नो ड्रेस अप फॉर समथिंग, बिकॉज यू कैन डू अ लॉट ऑफ एक्सेसरीज। इसकी स्लीव्स कैन एक्चुअली बिकम अ लिटिल टाइटर एंड दिस लुक्स रियली प्रिटी, आई थिंक सो। सो आई थिंक आई एम रेडी। और इसको एक्सेसराइज करने के लिए यू कैन यूज स्कार्फ्स, यू कैन यूज अ लॉट ऑफ एक्सेसरीज एंड जस्ट कीप इट सिंपल ऑन योर ड्रेस। सो आई थिंक इन $400
आप कुछ भी लुक यहाँ से कैरी कर सकते हैं. तो मेरे लिए आई थिंक ये दो लुक्स विल एक्चुअली मेक सेंस. मिनिमलिस्ट है और बहुत जल्दी मैं कैरी ऑन कर सकती हूँ इन लुक्स के साथ. ऑल्दो इस शॉप पे कई सारी चीज़ें हैं लेकिन मैं थोड़ी लूज ड्रेस प्रेफर करती हूँ मुझे, क्योंकि मुझे बॉडीकॉन ड्रेस में मोटापा नज़र आता है. आपको दिख रहा है यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो मैं देख सकती हूँ, ऑल दीज ब्रांड्स, एंड आई एम गोइंग टू आस्क देम हाउ मच आर दे फॉर, कितने रुपए के हैं बेसिकली. एक्सक्यूज मी, आप शॉप से हैं? ये स्वेटशर्ट कितने का है? 600. और ये टॉमी, ओ इट्स टॉमी जीन्स, दिस इज टॉमी हिलफिगर कलर कॉम्बिनेशन टॉमी जीन्स. ये कितने का है? 600. ये सब 600 का है और बाकी ये सब कुछ सेम सारे 600 के हैं. यू हैव 600 बक्स जो कि आपको मॉल्स और शोरूम से 1200, 1300, 1000, 2000 और पता नहीं कितने महंगे मिलेंगे. आई क्वाइट लाइक दिस ड्रेस. दो रीज़न इस ड्रेस को पसंद करने के. पहला, इस ड्रेस में मेरा मोटापा नज़र नहीं आएगा. दूसरा, इसमें इट्स मल्टी कलर सो आई क्वाइट लाइक. सर इसका प्राइस क्या है? 350. ओके सॉरी, बहुत कम टाइम है मेरे पास, फटाफट. तो 350 का ये है और 250 का ये है. तो बर्थडे ड्रेस रेडी. और अभी मैं इसे इस ड्रेस को अपने ही इस ड्रेस के ऊपर आपको पहनकर दिखा रही हूँ सो दैट आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा. ओह फाइनली इतने जद्दोजहद के बाद ड्रेस पहन ली. आई क्वाइट लाइक इट यार. मोटापा भी नहीं दिख रहा. इट हैज अ फ्रिल फ्रिल. एंड आई टेल यू वन थिंग, ये जो स्वेटर है ना, दिस इज स्पोर्ट फॉरएवर 21 ब्रांड का है ये. और यही अगर मैं मेन शोरूम में लेती, आउटलेट में लेती, दैट कॉस्ट में अराउंड आई गेस मोर देन 1200 और 1500. बट आई एम क्वाइट हैप्पी क्योंकि मुझे यहाँ पे 250 का मिल रहा है. तो यार 1500 रुपये की चीज़ ना 250 में मिल रही है, और क्या चाहिए. सो ओहिनी तुमने क्या खरीदा? मैंने कुछ खरीदा नहीं लेकिन मैंने अच्छी तरह से देख लिया कि मुझे क्या खरीदना है. ओके. और मुझे अगर मेरी ऑडियंस बताती है कि उनको मेरा लुक पसंद आया, उनको हाँ. पता है कि मुझे कैसे ड्रेसअप होना पसंद है और मैंने उनको दोनों वेरिएशन दिखा दिए हैं. ओके. तो उन्होंने अगर मुझे बोला तो डेफिनेटली मैं वो लुक ट्राई करूंगी और आके डेफिनेटली यहाँ से खरीदूंगी क्योंकि यहाँ पे इतनी वैरायटी है. पर मुझे क्यूरियोसिटी है कि तुमने क्या खरीदा. आई रियली वांट टू नो व्हाट आई विल टेल यू व्हाट आई विल टेल यू बेसिकली. सो यू नो मेरा बर्थडे आ रहा है. So I'm pretty much excited about that. तो मैंने अपना लुक थोड़ा बहुत यू नो बर्थडे के राउंड रखा क्योंकि ठंड है और हीरोइन भी नहीं बना जा सकता ज़्यादा. बट आई होप कि मेरी ऑडियंस को पसंद आया होगा क्या लुक है. और अब लेकिन हम दोनों में से जीता कौन है यार? हम दोनों में से जो भी जीतेगा वो लोग आप डिसाइड करेंगे क्योंकि हम दोनों के लुक्स आपको पता है. मुझे नहीं पता इसने क्या खरीदा है. मुझे नहीं पता इसने क्या खरीदा है. तो आई रियली वांट टू सी दैट व्हाट शी हैज ट्राइड एंड आई वांट टू नो कि आपको क्या पसंद आया. तो जस्ट आपकी जो भी राय है, आपको हम दोनों में से जो भी यू नो जिसका ड्रेसअप ज़्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि हम उसे आके यू नो यहाँ से खरीद सकें. और आप लोग भी ट्राई करिए एंड आप लोग बताइए कि आपको जो भी लुक पसंद आया, आपको क्यों पसंद आया. अपने कमेंट सेक्शन में जाके आप बता सकते हैं कि डू यू लाइक प्रियंकाज लुक और माय लुक. एंड बोथ द लुक्स आई एम श्योर गिव्स यू अ लॉट ऑफ वैरायटी. और मुझे क्यूरियोसिटी है सो प्लीज टेल अस व्हाट डू यू लाइक, हाउ डू यू लाइक एंड व्हिच वन डू यू वांट टू पोर्ट्रे. ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे.